को देख सकते हो मतलब कितनी एक निवाला है मेरे नाम का। यही वो गाड़ी है जो कि मतलब 10 पैसेंजर का 500 रुपये लेती है। ऑलराइट सो हे गाइस आई एम बैक और अभी हम लोग है बांद्रा स्टेशन पर और हम लोग आज जो जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है टुंगेश्वर। सो लेट्स गो, देखते हैं वहाँ पर क्या है क्या नहीं। वहाँ पर भी एक मतलब एक वाटरफॉल है और अभी टाइम हो रहा है कुछ 6:30 बज रहा है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज और लेट्स सी वहाँ पर मतलब क्या है क्या नहीं, हम बहुत मज़ा आएगा। और नहीं भी बोल के आज इंडिपेंडेंस डे है सो लेट्स सी। सो अभी मैं हूँ बांद्रा स्टेशन पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो और बांद्रा स्टेशन से हम लोग पकड़ेंगे फास्ट लोकल जो कि मतलब हम लोग को उतरना है विरार में। तो हम लोग विरार में उतरेंगे और विरार से उतरने के बाद हम लोग को ऑटो वगैरह लेना है। अभी मैं बांद्रा स्टेशन पर जो कि मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हूँ। सो यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे फास्ट लोकल, उसके बाद उतरेंगे वैसे ही विरार में। क्या है क्या नहीं आप लोगों को पूरा बताऊंगा और वहाँ से कैसे जाना आप लोग को इस वीडियो में पूरा एंड तक का बताऊंगा। सो आप लोग इस वीडियो का एंड तक का देखना। हेगा आई एम बैक। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि आप लोगों को विरार में नहीं वैसे ही रोड में उतरना है। सही ईस्ट में जैसे आप लोग आओगे तो आप लोग को वैसे ही ईस्ट में वैसे तुरंत आप लोग को ऑटो मिलेगी, मतलब आप लोग को टुंगरेश्वर पहुँचाएगी। 70 रुपये लेते क्या है क्या नहीं ऑटो वगैरह में। और हो सके तो यहाँ पर देखें यहाँ पर खाने पीने के लिए होटल वगैरह भी है। सो ऑटो शेयरिंग से नहीं आते तो आप लोग को पर सीट लेगा 50 रुपीज़ जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जैसे आप लोग वैसे ही ईस्ट में उतरोगे तो आप लोग थोड़ा सा मतलब स्टेशन के थोड़ा सा आगे साइड जाओगे मतलब रोड साइड जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये तो 35 रुपीज़ पर सीट मिलेगा। तो चलते हैं देखते हैं। आपको बोलना है तुंगा फाटा ना वाई डोंट नो ब्रो, अभी तो तुमने जाना। भाई साहब पैर कट रहा है, अच्छा इतना सा देखो चलने में क्या हो रहा है। इतने समय भी इसको ऑटो चाहिए भाई, इतने सारे नखरे भाई इसके, इतना सा नहीं चलता वो भी 1.5 किलोमीटर है खाली। बंदा ऑटो रिक्शा में सो रहा है इतनी नींद आ रही इसको। हम लोग रात भर से सोए नहीं मतलब, और जब भी मतलब ऐसा कभी हम लोग का जाने का प्लान बनता तो हम लोग रात में सोते नहीं क्योंकि मालूम है एक बार सोए तो डायरेक्ट 9-10 बजे उठना हम लोग का पक्का है। आना कैंसल मंजिल बहुत करीब है और मुझे तो इसको देख के इतनी हंसी आ रही थी कि क्या बताओ। ऑटो वाला मेरे को घूर-घूर के देख रहा बोला दो बार धक्का मारते मेरे को ना गिरा दे ऑटो में। यार 10 मिनट हम लोग को चल के लगेगा, उसके बाद देखते हैं वहाँ पर कैसा क्या है क्या नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर तो नया हूँ, मतलब हर जगह नया पहली बार जाता हूँ
ताकि मैं आप लोग को बता सकूँ कि मतलब कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। सो ये है छोटा सा वाटरफॉल जो कि मतलब पहाड़ के ऊपर से मतलब पानी आ रहा है। और एक्चुअली क्या है ना, मैं रात भर सोया नहीं करके मतलब मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए। सो अभी हम लोग का ट्रैकिंग पॉइंट स्टार्ट होएगा, 3 किलोमीटर तक का हम लोग ऊपर चढ़ना है। और भाई क्या हाल है? अच्छा भाई, पैदल चला चला के थका गया। और ये आप रास्ता देख सकते हो मतलब कितना ख़तरनाक है, जो कि मतलब स्लिप होता है। अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो मैं आप लोग को एक ही चीज़ रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग शूज़ वगैरह पहनना। ये देख सकते हो आप लोग रास्ता। आप लोग ने देखा कि मतलब वहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मतलब बंद है, और वो ट्रैकिंग पॉइंट मतलब वहाँ से स्टार्ट होता है और वहीं से मतलब टिकट वगैरह मिलता है। सो जाते हैं देखते हैं वहाँ पर। जैसे कि आप लोग ये बोर्ड देख रहे हो, ये आप लोग को मतलब डायरेक्शन मतलब देते रहेगा। एक थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप लोग को मतलब ये ऐसे बोर्ड मिलेंगे आप लोग को। और फिलहाल अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है, ये क्लाइमेट जा रहा है, इसके वजह से ये पूरा साफ दिख रहा है। From the dust I was born, to the dirt I shall return, when my eyes are closed. In the shadows, my enemies will think they won, but I'm here to stay. So अभी जो सीधा रास्ता था वो खत्म हो चुका है, और अभी हम लोग चढ़ रहे हैं ये चढ़ाई, क्योंकि पूरी पब्लिक ऊपर चढ़ रही है। थोड़ा सा थकान इसमें होगी क्योंकि सीधे रास्ते में और ऊपर चढ़ने वाले रास्ते में बहुत फर्क है। ये बेचारा अभी भी नींद में है। यही वो गाड़ी है जो कि मतलब 10 पैसेंजर का 500 रुपये लेती है। ज़्यादा लंबा नहीं, यहाँ से नहीं भी बोल के 2 किलोमीटर होएगा आप लोग को, 2 किलोमीटर चलना है बस। वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितने स्पीड में चल रहे हो। All the pain, all the hurt, all the lessons I have learned. I am stronger now. I won't let me down. हमारा मॉर्निंग का नाश्ता इस जंगल में, क्या नाम था इस जगह का, तेंगू सवारी ऐसा कुछ तो था। मैं बार बार ये नाम जगह भूल जाता हूँ। और जो भी नाम हो यार, इतना याद कौन करेगा। एक्चुअली क्या है ना, मैं सोया नहीं हूँ मेन बात, और मतलब बार बार दिमाग में आ नहीं रहा है मेरे, सीन ये है। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे, वो तो ऊपर कर ले रहा है ये हरामी। मैं वीडियो के चक्कर में वीडियो बना रहा, ये पूरा खा खा के देखो पूरा ख़त्म कर दिया। और एक निवाला है मेरे नाम का। वाह मज़ा आ गया। तो कैसा है ना यहाँ पर ना, केकड़े मतलब छोटे छोटे केकड़े,
लोगों को उससे ना बहुत डर लगता है यार, बाई चांस कभी कार्ड विट लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई तो ये था इसका फर्स्ट पॉइंट व्यू। सो अभी हम लोग वापस से यहाँ से सीधा जाएंगे और वहाँ से वापस से ऊपर चढ़ाई के लिए चढ़ेंगे, जो कि मतलब हम लोग को मेन पॉइंट पे पहुँचना है। इससे पहले वाला ब्लॉग में मैंने चिनचोटी ब्लॉग में मैंने मेन पॉइंट नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरे जो दोस्त लोग थे उसमें भी मतलब कुछ गर्ल्स लोग थे जो कि मतलब वहाँ पर जा नहीं पाए, थक गए तो लोग ज़्यादातर, तो वहीं पर मैंने वीडियो को एंड कर दिया था। सो इस बार वैसा नहीं होगा, इस बार आप लोग को इस वीडियो में पूरा बताऊँगा क्या है क्या नहीं, तो वीडियो का एंड तक कर दिखा। सो भाई और जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये पूरा जंगल ही जंगल है इसके पीछे साइड, इसके पीछे कुछ भी नहीं है सिवाय जंगल। फिलहाल हम लोग अभी आधे रास्ते पर ही है और अभी और भी नहीं भी बोल के हम लोग को ऊपर चढ़ना बाकी है। सो इस वीडियो को एंड तक का देखना और क्या है क्या नहीं, आप लोगों को कुछ भी मतलब कुछ पूछना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। और अर्षे भाई की नींद खुल गई है ऐसे ऐसे पॉइंट देख के। तो गाइस टिल देन एंड वॉच योर वीडियो। मतलब कितनी भीड़ है, लेकिन डिसिप्लिन देखो पब्लिक लोग की, ये लोग कैसे लाइन से जा रहे हैं और काफ़ी दूर से लाइन है जो कि मतलब वो साइड से स्टार्ट होता है और एकदम पीछे तरफ पूरा लाइन है। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि नहीं भी बोल के और 5 मिनट लगेगा, देख रहे हो आप अभी भी मतलब लाइन दो घंटे से मतलब लाइन में खड़े हैं पब्लिक लोग दर्शन करने के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मतलब यही पॉइंट है, क्या नाम था यार उसका फिर भूल गया, जो भी है तो ये पॉइंट है यहाँ पर सब लोग पब्लिक लोग मतलब आते आ रहे हैं। बाकी उधर पे मतलब एक छोटा सा डैम है जो कि पब्लिक लोग नहा रही है। फिलहाल तो मेरे को बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने दो टी शर्ट पहना है और ये टी शर्ट उतार भी नहीं सकता क्योंकि मच्छर बहुत काट रहे हैं। एक मिनट होल्ड करना ना। अच्छा फिलहाल ये टी शर्ट को फिर यहाँ पर उतार देते हैं। सो अब जाके थोड़ा सुकून मिल रहा है। सो अभी जाके वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर अगर ज़्यादा पानी वगैरह बह रहा होगा तो हम लोग जाके वहाँ पर थोड़ा बहुत इन्जॉय वगैरह करेंगे, नहाएंगे वगैरह। सो जाते हैं देखते हैं और दिखाते हैं वहाँ पर कुछ है या नहीं। सो है पूरा जूता गिल्ला हो जा रहा है, बहुत सारी पब्लिक है जो कि मतलब वहाँ से झरना है जो आप लोग देख रहे हो, तो वहाँ जाते हैं। बाकी चारों तरफ देख सकते हो पूरे जंगल जंगल मेरे तरफ। सो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो वहाँ जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। तब से खाली यही बोल रहा हूँ दिखाता हूँ लेकिन कुछ है भी या नहीं। सो वो देखो कितने ज़ोर से गिर, आप लोगों को मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देखो ये है असली वाटरफॉल जहाँ पर एंडिंग होता है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पर आप लोगों को जाके दिखाएंगे क्या है क्या नहीं। आप लोग क्राउड देख सकते हो कितनी पब्लिक है यहाँ पर। वॉटरफॉल यहाँ है, ये वाटरफॉल देख सकते हो कितने नज़दीक है हम लोग। तो अभी जाते हैं क्या नहीं, मज़ा करेंगे, पानी वगैरह में डुबकी वगैरह लगाते Thank you.
अपना ना अपने ऊपर गया है वो बन अगले तो अभी मैं जस्ट नहा के आया, क्या मज़ा आई। और अर्षे की बारी है, पास में जाके दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, तो तो ये पास में का वाटरफॉल ये हम लोग डाल रहे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर से काफ़ी अच्छा नज़ारा आता है। और ये ना वो स्लिप होता है, लेकिन स्लो स्लो जाना। सो चला ऊपर पहुंच गए, अभी थोड़ा और आगे आते जाने के रास्ता है। ये होल्ड करोगे तो अभी मैं हूँ यहाँ पर, और पब्लिक लोग को देख सकते हो मैं कितना ऊपर हूँ। हाँ भाई, चैनल का नाम रेहू बॉय, रेहू बॉय। तो ये होगा एकदम ऊपर टॉप पे, और ये ऊपर से पूरा झरना गिर रहा है, काफ़ी मज़ा आ रही है। अभी तो और भी ऊपर चढ़ना बाकी है, मैंने सोचा क्या था और क्या निकला। ये हम आ गए हैं सबसे टॉप में, ओके। और एज यू कैन सी व्यू पब्लिक, ये है सबसे ऊपर का व्यू, जो काफ़ी पब्लिक है। ज़्यादातर आप लोग बारिश के मौसम में आओगे तो और अच्छा व्यू मिलेगा, और बाकी ये तरफ कुछ नहीं। सो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। सो आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो अभी तक का मेरे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके कर लो। सो Till then, and watch your videos.